ये जो है चावल का आटा है, हम इसकी भी कचौड़ी बनाएंगे। इसकी ना बहुत क्रिस्पी बनती है और बहुत टेस्टी बनती है चावल के आटे की। इसमें नमक अजवाइन डाल के गर्म पानी से गूंथते हैं, ठंडे से भी गूंथ देते हैं, बस नॉर्मल वाटर होना चाहिए। ये देखिए हमने आटा ये गूंद लिया, ये आटा गूंद के रख दिया है। आटा में देखिए हमने क्या क्या डाला है, हल्का सा नमक डाला है, थोड़ा सा जवाइन डाला है, थोड़ा मैन डाला है कि नरम होगा। और ये अब आलू बॉयल करके आलू के इसको बारीक कर रहे हैं, अब इसको हम भूनेंगे, इसको हम भूनेंगे, इसको ऐसे करके अब भूनेंगे, भून के फिर हम भर के बनाएंगे इसको कचौड़ी को। ये देखिए ये भी दिखाएंगे आपको, ये लाए हूँ बाजार से, इसको बोलते हैं सैयन, सैयन बोलते हैं इसको, सैयन है। इसका भी रेसिपी जब बनाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी। और ये जब लाई हूँ, ये देखिए ये सब लाए हैं, हमारी बहू बड़ी वाली करती है जिम, तो आजकल वो खाना नहीं खा रही है, तो यही सब सलाद खा रही है, और तो उनके लिए ये सब आया है। और आज हम उनको नाश्ता में कचौड़ी नहीं देंगे, यही कराएंगे नाश्ता, ठीक है। अब इसको देखिए हम भूनने जा रहे हैं, क्योंकि भून देने से हल्ला वाला मत करो ना, डालेंगे इसमें तेल क्योंकि इसको हम भूनेंगे, भून देने से इसको स्वाद बढ़िया होता है, अच्छा लगता है। तो देखिए इसमें हम क्या क्या डालते हैं भूनने में, तेल गर्म होगा उसके बाद ये डालेंगे जीरा, चटक गया इसमें। अब इसमें हम अदरक पीस रखे हैं, अदरक है, हरा मिर्चा है, अब इसको डालेंगे। ऐसे बनाने से बहुत अच्छा कचौड़ी बनता है। और ये इधर जो है हमारे लंच के लिए राजमा तैयार हो रहा है। अब ये तैयार हो गया, अजवाइन अजवाइन थोड़ा सा इसमें हमने डाला गरम मसाला, अब ये तैयार हो गया। अब ये धनिया पत्ता डालेंगे, हम आपको आगे दिखाते हैं अब जब इसको फ्राई करेंगे। अब ये देखिए कचौड़ी का मसाला हो गया तैयार। अब जब हम कचौड़ी बनाते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं, आप भी ऐसे ही बनाइएगा, बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है, बना के देखिएगा। अब ये जो है हम लोग जा रहे हैं कचौड़ी बनाने, तो ये दीदी जो है वही कर रही है, इसको ऐसे करके भर लेंगे हम। ऐसे एक एक करके सारे भर के रख लेंगे जब तक हमारा तेल गर्म होगा।
ये देखिए ऐसे गोल गोल बना लेंगे पेड़े की तरह। इसमें जो है ये गेहूं का है और ये जो वाइट वाइट आपको नजर आ रहे हैं ना, ये चावल के आटे का है। आप ना देखो, अब हम एक एक करके, एक तेल गर्म हो गया तो इसमें डालेंगे। अब ये हम बना रहे हैं टमाटर का चटनी। तेल डाल दिया, ये डाल दिया पचफोरना, ये थोड़ी सी डाला हल्दी, ओ धनिया थोड़ी, ये डाला थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा मिर्चा की मात्रा बढ़ा देंगे ताकि खट्टा मीठा है तो अच्छा लगेगा। अब देखिए चटनी टमाटर पीस के रखा हुआ है, अब इसमें डालेंगे। ये डालेंगे नमक, थोड़ा सा नमक का मात्रा बढ़ा के डालेंगे कि इसमें गुड़ डालना है, तो थोड़ा गुड़ डालेंगे तो थोड़ा नमक का मात्रा बढ़ा के डालेंगे, तो इतना नमक नहीं पड़ता है, गुड़ डालेंगे बस हल्का सा। थोड़ा सा पानी डालेंगे ना कि ताकि ये गुड़ गल जाएगा, चटनी अच्छा होगा। तब ये कचौड़ी का चटनी बहुत अच्छा लगता है। ये हमारी चटनी जो है पक गई अच्छे से, चटनी हो गई रेडी। दाल भी हो गई, ये हमारी कचौड़ी बनके हो गई रेडी। अब हम जा रहे हैं पापा जी को सर्व करने के लिए, अब फिर आपको बताते हैं कि कैसी बनी है। तब तक हमारे वीडियो में बने रहिए। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आइए जो दोस्तों आप लोग भी हमारा नाश्ता इंजॉय कीजिए, वेलकम। तो ये हम लोग ले आए हैं पापा जी के लिए नाश्ता, और पापा जी टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा बना है। बहुत गर्म है, कैसा बना है पापा जी? बहुत अच्छा बना है। अरे चावल वाला भी टेस्ट करके बताइए, वो भी, वो चावल के आटे का है। अच्छा। ये वाला, हाँ बहुत गर्म बना है, ये भी अच्छा बना है। हम लोग मम्मी जी का नाश्ता, अब मम्मी जी से पूछते हैं कि कैसा बना है। अरे बहुत अच्छा बना है बेटा, बहुत अच्छा है। और दोस्तों इतनी बढ़िया बनी है कि कहने की हद नहीं, आप भी खाइए और ऐसे ही आप भी बनाइएगा। और पता है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसी का कमी हो रही है हमारे चैनल पर। सब्सक्राइब कीजिए, आप अपने परिवार में अपने दोस्तों से अपने नाते रिश्तेदार से सब्सक्राइब करवाइए, प्लीज आप ये करवाइए।